नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं पब्लिक टुडे न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले पाने के लिए पब्लिक टुडे न्यूज की इस वीडियो को लाइक और चैनल को नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आपको बता दें, देश के अंदर दूसरी बार सरकार बनाने के बाद मोदी सरकार ने देश की जनता के लिए, देश के गरीबों के लिए, देश की महिलाओं के लिए, माताओं के लिए काफी बड़ी योजनाएं जारी की है। जैसे कि सभी जानते हैं कि आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, ये मोदी सरकार का सबसे बड़ा फैसला है। आर्टिकल 370 हटने के बाद मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए, माताओं के लिए, रोजगारों के लिए भी काफी बड़ी योजना जारी की है। हम आपको बताने के बारे में मोदी सरकार ने गरीबों को क्या तोहफा दिया है, इस वीडियो को अंत तक देखती रहेगा। आपको बता दें कि मोदी सरकार के आर्टिकल 370 हटाने के बाद पाक अधिकृत कश्मीर यानी पाकिस्तान वाले कश्मीर के देश की जनता यानी कश्मीर की जनता चाहती है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का विलय इंडिया के अंदर कर दिया जाए और मोदी सरकार से दुआ कर रही है, दामना करने की, बहुत ही जल्द वो पाक वाले कश्मीर को भी अपने इंडिया का हिस्सा बना ले। कौन कहता है कि कश्मीरी लोग भारत से जाना चाहते हैं, लेकिन बल्कि कश्मीरी लोग तो भारत के अंदर आना चाहते हैं, यह आज इस बात से साबित हो चुका है। आपको बता दें, मोदी सरकार ने गरीबों के लिए जो एक एकड़ से जिस गरीब की जमीन कम है, यानी देश का कोई भी नागरिक जिसकी एक एकड़ से जमीन कम है, उसको मोदी सरकार फ्री में घर बनाने के लिए 10 लाख रुपए देने वाली है, यानी फ्री में घर देने वाली है। ये सबसे बड़ी योजना है, गरीबों को मिलने वाला है फ्री में मकान। आपको बता दें कि साथ साथ में आपको बता दें कि जिनके गरीब की फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, उनको सरकार पेंशन के तौर पे 5,000 रुपए महीना देने वाली है ताकि वो जीवन यापन कर सके। आर्टिकल 370 के बाद मोदी सरकार का सबसे बड़ा फैसला, हर गरीब को मिलेगा 5,000 रुपए महीना। साथ में आपको बता दें कि गैस सिलेंडर योजना के जो है आवेदन करने वाली महिलाओं की सूची जारी हो चुकी है, जिसे आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को गैस सिलेंडर प्रदान किए जाने वाले हैं। आपको बता दें कि 15 अगस्त से पहले सभी महिलाओं को तक गैस सिलेंडर पहुंचा दिया जाएगा। साथ में आपको बता दें कि गरीब को गैस सिलेंडर पे 100 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी मिलने वाली है, यानी 100 रुपए का फायदा मिलने वाला है देश के हर गरीब को जो गैस सिलेंडर यूज करता है। पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल के दाम काफी हद तक नीचे गिर रहे हैं। डेली के डेली पेट्रोल के दाम 40 से लेकर 50 पैसे तक नीचे चले, 70 पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में आपको बता दें कि मुकेश अंबानी रिलायंस के पेट्रोल पंप 55 से ज्यादा पेट्रोल पंप खोलने चाहते हैं पूरे इंडिया के अंदर, जिससे अंदर देश को रोजगार मिलेगा, रोजगारों को रोजगार मिलेगा। ये मुकेश अंबानी का जो मोदी सरकार के साथ टाइप के साथ बड़ा योगदान है। आपको बता दें कि धारा 370 हटने के बाद जो भाजपा ने आतिशबाजी कर बांटी मिठाइयां, आपको बता दें कि भाजपा के नेता ने या भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 370 हटने पर जो आतिशबाजी के साथ बांटी मिठाइयां। आपको बता दें कि सुषमा स्वराज के निधन के बाद सुषमा स्वराज के पति और बेटी ने सलूट करके दी अंतिम विदाई। आपको बता दें कि आरबीआई ने लगातार चौथी बार रेपो रेट घटाया, जीडीपी 6.9% रहने का अनुमान। आपको बता दें कि इंडियन आर्मी की यह आरसीएल जीप ही भारी पड़ गई थी पाकिस्तान के 45 टैंकों पर, अब नया खोज कर बढ़ाएगी गौर। आपको बता दें कि यह जीप जो आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के 45 टैंकों पे भारी पड़ गई थी, क्योंकि इसके अंदर से टैंक चलाया जा रहा था जिसने 45 टैंकों को उड़ा दिया था। आपको बता दें कि अयोध्या मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट में रामायण का हवाला करके नोटिस दिया गया है कि अयोध्या में ही जन्मे थे राम। आपको बता दें कि 1950 से ही चीन के कब्जे में है अक्साई चीन। अमित शाह का अगला प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर का हिस्सा है अक्साई चीन। अमित शाह बहुत जल्द अक्साई चीन को खींचना चाहते हैं भारत की ओर। आपको बता दें कि विदेशी मंत्री के रूप में सुषमा स्वराज ने देश का मान बढ़ाया, उनका जाना भारतीय राजनीति में सती अमित शाह। अमित शाह ने कहा कि विदेश मंत्री के रूप में सुषमा ने देश का मान बढ़ाया, उनका जाना भारतीय राजनीति में एक काफी बड़ी सती है। गूगल गुड न्यूज, मोदी सरकार का नया प्लान, अब सिर्फ 59 मिनट में मिलेगा लोन। आपको बता दें कि लोन मिलने में अब देरी नहीं होगी, आपको ओनली 59 मिनट में लोन प्रदान किया जाएगा। आपको बता दें कि सुषमा को श्रद्धांजलि देते हुए फूट फूट कर रोने लगे एमडीएच के मालिक धर्मपाल गुलाटी। आपको बता दें कि धर्मपाल गुलाटी एमडीएच के मालिक सुषमा को श्रद्धांजलि देते देते फूट फूट के रोने लगे। आपको बता दें कि दिल्ली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को केजरीवाल सरकार ने बांटे 10,000 स्मार्टफोन। दिल्ली के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को केजरीवाल का सबसे बड़ा तोहफा, बांटे गए 10,000 मोबाइल स्मार्टफोन। आपको बता दें कि टाइगर जिंदा है मूवी की जो स्टोरी है, उसका असली हीरो सुषमा स्वराज है। जिंदगी की असली हीरो सुषमा स्वराज ने जो है ऐसे करवाई थी 46 नर्सों की वतन वापसी, जिस प्रकार से सुषमा स्वराज ने 46 नर्सों की वतन वापसी करवाई थी, वो टाइगर जिंदा मूवी है उसी स्टोरी पे आधारित, यानी रियल स्टोरी पे आधारित है। असली हीरो है सुषमा स्वराज। सीएम अमरिंदर सिंह, पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह की पत्नी 23 लाख की ठगी का शिकार, आरोपी बोला एटीएम नंबर बताए सैलरी डालनी है। आपको बता दें कि नेताजी ने पूरे नहीं किए चुनावी वादे, लोगों ने महिलाओं के कपड़े पहनाकर बाजार में घुमवाया। आपको बता दें कि चुनाव नजदीक आने आते ही जो एक नेता ने जब चुनावी वादे पूरे नहीं किए तो लोगों ने उसे महिलाओं के कपड़े पहनाकर बाजार के अंदर घुमाया। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि पंत ने तोड़ा धोनी का रिकॉर्ड, T20 मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले
भारतीय विकेट कीपर बने पंत। ऋषभ पंत भारतीय विकेट कीपर बन चुके हैं T20 मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जो है भारतीय विकेट कीपर। आप देख रहे हैं पब्लिक टुडे न्यूज ब्रेकिंग न्यूज। पाने के लिए पब्लिक टुडे न्यूज की इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबर सबसे पहले मिल पाए।